नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। आज भारत का हर एक शख्स खुशियां बना रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे लोग खुश हैं। आखिर इनकी खुशी की वजह क्या है, इसी बात का जवाब लेने हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तम नगर टर्मिनल में। दरअसल हुआ यह है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने की वजह से यहाँ के लोग एक त्योहार जैसा यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लगातार नारों के जरिए मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनकी खुशी का जायजा लेते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? पिंटू। अच्छा, कैसे आपकी खुशी का जाहिर कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे, कब से कर रहे हैं प्रदर्शन? आधा घंटा हो गया कम से कम। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को, खुशी है इतनी? धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं। धन्यवाद। हाँ जी, बस बस जी, हम भी धन्यवाद ही करना चाहेंगे और कुछ नहीं करना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सन्नी त्यागी, मैं मंडल से युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, नमस्कार सर, आप मुझे बताइए मोदी जी को कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे, आप कुछ शब्द कह दीजिए। पूरा मंडल, पूरा जिला, पूरी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से मोदी जी को धन्यवाद दे रही है। कोई 100 करोड़ वैक्सीन लगवाने के लिए 100 किलो लड्डू बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं 100 साड़ी बांटी जा रही है जैसे कि करवा चौथ आ रहा है। तो ऐसे नए नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी को इस अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद करता है। मेरा बेटा जो छोटा होता था, उन्होंने मेरे बेटा छोटा बेटा था मेरा, उनके बारे में मोदी ने सोचा। हमने वैक्सीन लगवाई। मेरा बेटा छोटा होता था, उनके बारे में सिर्फ मोदी जी ने सोचा कि होता क्या है। चाहते बच्चों के लिए भी जल्द लगना शुरू हो जाए। हाँ। नमस्कार सर, आपका नाम? हरिराम सोलंकी, जिलाध्यक्ष SC मोर्चा। कैसा लग रहा है आपको, 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया? 100 करोड़ का लक्ष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की जनता के लिए जो 100 करोड़ का लक्ष्य दिया है, ये बड़े से बड़े देश नहीं कर पाए, और हमारे मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है। तो ये 100 करोड़ का लक्ष्य हुआ, बड़ी खुशी है, हम सब लोगों को बड़ी खुशी है कि उन्होंने कम से कम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करके उनकी जान तो कम से कम बचाई है। 100 करोड़ तो मेरे ख्याल से सैकड़ों देशों की जनसंख्या भी नहीं होता कि जितनी की इतनी बड़ी जनसंख्या के देश को उन्होंने वैक्सीनेट किया है। मोदी जी को हम धन्यवाद करने के लिए जिला नजफगढ़, SC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और महिला मोर्चा, हमारे साथ में युवा मोर्चा के भी साथी हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुँच रहे हैं, और इसके अलावा हमारे सांसद जी ने बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ किया। जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तो उन्होंने कंसिलेटर जो हैं वो घर घर तक पहुँचाए, हर मंडलों में उन्होंने अपने जो है कंसल्टेटर घर तक पहुंचाए हैं, और उसके अलावा 100-100 कंसल्टेटर के उन्होंने बेड बनाए जिसमें कि ऑक्सीजन का देने का काम उन्होंने किया। तो हम मोदी जी का भी और माननीय प्रवेश वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ जिला नजफगढ़ के कार्यकर्ता खड़े हैं। उनको बहुत बहुत बधाई कि 100 करोड़ का उन्होंने लक्ष्य पार किया, और उम्मीद करते हैं कि हम ये 100 करोड़ के अलावा और भी जितने लोग बचे हुए हैं वैक्सीनेट करने के अलावा के लिए, उनको भी जल्द से जल्द हम वैक्सीनेट करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि जन जन तक ये वैक्सीनेशन पहुंचे। भारत का बना हुआ है, चाहे विदेश से भी कुछ मंगाया, लोग तो कहते, केजरीवाल जी कहते थे कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा और विदेश भेज रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो हमने दिखा दिया, मोदी जी ने दिखा चुके हैं कि हम, अगर मोदी है तो मुमकिन है। और ये 100 के अलावा 135 करोड़ जनसंख्या जितनी भी है सभी जो भी जल्द पूरा होगा। मोदी जी को तो धन्यवाद कर ही रहे हैं, अस्पताल कर्मचारी को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत की? अस्पताल कर्मचारियों ने, उनके लिए हमारे मोदी जी ने जो भी जहां जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनके लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, और जिनके लिए कोई, जिनके घर में ट्रेजेडी हुई है तो उसके लिए भी सरकार हर हेल्प करने के लिए तैयार है, चाहे वो उनके लिए मुआवजे की बात हो चाहे कैसी भी बात हो। बच्चों को अभी तक वैसे वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ, उस पर आप कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसे अभी बच्चों के नहीं आई है वैक्सीन, अभी युवाओं के लिए 18 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए वैक्सीन भी जल्द से जल्द, जैसे हमारे देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं तो वो भी जैसे जल्द बच्चों के लिए होगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का वादा है कि बच्चा बच्चा भी वैक्सीनेट होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका नाम सर? यादराम मेरा नाम है। कैसा लग रहा है आपको 100 करोड़ का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि मैं कह नहीं सकता, बहुत बढ़िया जो लगा ना 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इतिहास रच दिया हमारे माननीय मोदी जी ने।
जो लगातार प्रयास करने के बाद 100 करोड़ इतने से कम समय में, जो दुनिया का जो है ना बड़े से बड़ा देश भी 100 करोड़ की आबादी वाला नहीं है, इससे कम है, वहाँ पर आज भी वैक्सीन नहीं लग रही है, बहुत कम लोग लगा रहे हैं वैक्सीन वहाँ पर भी, क्यों? क्योंकि उन पर सुविधा नहीं है। भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1200 या कुछ रुपये की जो वैक्सीन है जो भारत देशवासियों को फ्री में दी गई है, ये बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है मैडम, ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि 100 करोड़ कम समय में सब लोगों का जीवन बचाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय नरेंद्र मोदी जी की और हमारे परवेश वर्मा जी की। अब ये देखिए उत्तम नगर के अंदर, नरबगढ़ के अंदर हमारे पास एक भी जो है सिलेंडर वगैरह के लिए बहुत दिल्लत हो रही थी, उन्होंने खड़े होकर वो सिलेंडर का उन्होंने चलाया, फैक्ट्री चलाई जो कई दिनों से बंद कर दी थी दिल्ली सरकार ने, उन्होंने फैक्ट्री चलाई और लोगों की जान बचाई और घरों में जाकर सिलेंडर वितरित किए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं घरों में जाके उनकी सेवा करी, उनको हॉस्पिटल पर पहुंचाया और उनके लिए दिन रात मेहनत करके उनके जीवन को सुधारा और एक आवाज़ के अंदर सब लोग सही हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं धन्यवाद करने के लिए आया नहीं, मेरा पूरा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चा और युवा मोर्चा आज टर्मिनल पे नहीं, तीन जगह पर धरने हो रहे हैं, एक हमारा ककरोला में हुआ था, आज यहाँ है और अध्यक्ष जी बताएंगे नजफगढ़ में कल है। भारी संख्या के अंदर मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और माननीय परवेश वर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शकील अहमद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, क्लिप को बार बार समाज में जाके दिखाएं, जैसा कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में अभी तक हमारे इस भारतवर्ष के अंदर हमारा समुदाय, खासतौर से मुस्लिम समुदाय जो है वो अभी वैक्सीन को लेकर असमंजस में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को, मुस्लिम समाज के लोगों को और बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और अपने समाज से अपील करनी चाहिए। मैं भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए और लगवानी चाहिए। किस तरह के असमंजस की बात कर रहे हैं? अभी जैसा कि हमारे समाज के लोगों को बरगलाया गया था कि भाई इसमें किसी ना किसी तरीके का थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्लू मिलाया गया है, या इस तरीके से मतलब भड़काया गया था कि भाई इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम पे भी मुसलमान और हिंदू भाइयों को बांटने की बात की जाती थी। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर चलते हैं और सबको ये इस बात का मैसेज भी देते हैं। दूसरे लोग हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो हमारे समुदाय को कमज़ोर समझ के हमारा फ़ायदा उठाते हुए, भाजपा का डर दिखाते हुए जिन्होंने ये काम किया है, वो आज भी हमें कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं। जैसा कि आज हमारा देश जनसंख्या के एतबार से विश्व में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर है, जो और बाकी जो पहले या दूसरे नंबर पर देश हैं उनमें भी अभी 100 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं हुआ। इस बात के लिए मैं मुस्लिम समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरे हमारी भारत सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त देश में चल रही है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बड़े समूह के अंदर 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया। साथ में उन्हीं सभी जो डॉक्टर्स हमारे इसमें लगे हुए हैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने भी हमारा पूरा समाज का और संपूर्ण समाज के लिए, मानव जाति के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हुए घर घर जाकर सबको वैक्सीन भी लगाई, सेंटर बनाए और सबके साथ ये कार्य पूरा किया। धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद भारत सरकार और धन्यवाद वो डॉक्टर्स जिन्होंने इस टारगेट को पूरा किया। धन्यवाद सर, आप कुछ कह रहे? नहीं, मेरी वैसे तो मेरी बात हो गई थी, लेकिन ये है कि मोदी जी ने जैसे जो काम किए हैं वो इनके होते हुए अब भाई शकील अहमद जी ने बताया, जैसे कि कुछ भरम था लोगों में, जो कुछ लोगों ने फैलाया था कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिलाया गया है कि मुस्लिम आबादी को रोका जाए, तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत मुस्लिम समाज भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर जो है इस वैक्सीन को लगवा रहा है, क्योंकि ये सारे डाउट अब क्लियर हो चुके हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनकी जान बची है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और बाई चांस उनके लंग्स में अगर पहुँच गया तो उनको हो सकता है नुकसान हुआ है, लेकिन उनको पछतावा है कि आज हमने वैक्सीन लगाई होती तो शायद हम जिंदा होते। तो इस वक्त यहाँ पे इस मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद है, आइए हम यहाँ के अध्यक्ष जी से बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार सर, आपका नाम बता दीजिए। विजय सोलंकी।
सर कैसा लग रहा है आपको 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा? ये हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर्स को साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया और इतने कम समय में 9 महीने के अंदर स्वदेशी वैक्सीन तैयार की और 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। फर्स्ट और सेकंड डोज मिला करके 100 करोड़ का आंकड़ा अभी 21 तारीख को पार हुआ है, तो सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और इतने बड़ी आबादी का देश, आज हमें एक सुरक्षा कवच इस वैक्सीन के माध्यम से मिला है, तो हम सभी देशवासी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोगों को भारत पर बहुत गर्व है, मोदी जी पर बहुत गर्व है। ये लोग लगातार मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए नारे लगा रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, यहाँ पे लोग अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक त्योहार की तरह आज का दिन ये लोग मना रहे हैं। माइक आगे ले जाएगा तब आवाज आएगी। क्योंकि भारत ने पूरा किया है एक और बड़ा लक्ष्य। आपने देखा यहाँ के लोग कितने ज्यादा खुश थे 100 करोड़ वैक्सीनेशन के पूरा होने पर। लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मोदी जी को दी है, मोदी जी का लगातार ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही ये लोगों ने ये भी कहा है कि छोटे बच्चों की वैक्सीन भी जल्द से जल्द पूरी हो, एक और बड़ा लक्ष्य वो फिर से वापस तय करें। बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ, धन्यवाद।